हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे के राउंडर्स में। आज हम जनरल नॉलेज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो आप उसका जवाब कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए चेचक, बी बहादुर, सी नतरंभा, डी बादल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नतरंभा। आपका दूसरा प्रश्न है, किस देश के पास हॉस्पिटल चिन्ह है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी सऊदी अरब, सी जापान, डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे सस्ता सोना मिलता है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी जम्मू कश्मीर, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल। आपका चौथा प्रश्न है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? आपके ऑप्शन है ए भारत की, बी चीन की, सी जापान की, डी अमेरिका की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका की। आपका पांचवा प्रश्न है, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? आपके ऑप्शन है ए ब्लडवुड ट्री, बी पीपल, सी बरगद, डी अशोक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्लडवुड ट्री। आपका छठवां प्रश्न है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए ग्राहम बेल ने, बी मार्टिन कूपर ने, सी मैडम क्यूरी ने, डी जेम्स वॉट ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्टिन कूपर ने। आपका सातवां प्रश्न है, विश्व का दूसरा लाल किला किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान में, बी अमेरिका में, सी भारत में, डी चीन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और डेली ऐसी ही सामान्य ज्ञान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। आपका आठवां प्रश्न है, मूली किस रोग को ठीक करता है? आपके ऑप्शन है ए पथरी को, बी सुगर को, सी हार्ट अटैक को, डी कैंसर को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुगर को। आपका नौवां प्रश्न है, भारत में पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया था? आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, बी हैदराबाद में, सी दिल्ली में, डी केरल में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। आपका दसवां प्रश्न है, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं अंकित होती है? आपके ऑप्शन है ए 22 भाषाएं, बी 15 भाषाएं, सी 17 भाषाएं, डी 5 भाषाएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 17 भाषाएं। आपका ग्यारहवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितने रंग होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2 रंग, बी 3 रंग, सी 4 रंग, डी 5 रंग। ये प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताएं। आपका बारहवां प्रश्न है, सबसे सस्ती बिजली किस देश में है? आपके ऑप्शन है ए भारत में, बी रूस में, सी ईरान में, डी जापान में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ईरान में। आपका तेरहवां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र नाथ दत्त, बी शिव दत्त, सी बालकृष्ण, डी मनमोहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त। आपका चौदहवां प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? आपके ऑप्शन है ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी
तिमाही गति के कारण, डी छमाही गति के कारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और डेली ऐसी ही सामान्य ज्ञान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। आपका 15वां प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपके ऑप्शन है ए बुधवार, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी मंगल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। आपका 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी ब्राजील। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका। आपका 17वां प्रश्न है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए टोक्यो, बी ओसाका, सी हिरोशिमा, डी नागासाकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओसाका। आपका 18वां प्रश्न है, चाय पीने के बाद क्या खाने से व्यक्ति की मौत हो सकती है? आपके ऑप्शन है ए बिस्कुट, बी पपीता, सी नींबू, डी मिठाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नींबू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और डेली ऐसी ही सामान्य ज्ञान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। आपका 19वां प्रश्न है, भारत में मोबाइल की शुरुआत किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1980 में, बी 1990 में, सी 1995 में, डी 2000 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1995 में। आपका 20वां प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। यह एक आखिरी का प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं।